हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. पत्ते बांट ही लेते हैं, मजा आएगा ट्यूसडे. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक चल रही है तैयारी? सितंबर का वो आ गया, एंड होने वाला है सितंबर भी. बिफोर यू नो अक्टूबर विल बी देयर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, तब तक आपको आएगी सांस. हैप्पी ब्रीदिंग. फेब के बाद में जैसे ही फॉर्म्स निकलेंगे उसके बाद में कुछ हलचल होगी, कुछ बाहर कुछ अंदर, राइट? वो हलचल लिमिटेड रहे, आप रेजिलियंट रहो उसके तरफ. सो दिस इज़ द टाइम जब आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, बिकॉज नो वन विल पुश यू. नो वन, बिकॉज नो वन हैज़ द इंसेंटिव टू पुश यू. वाई वुड समवन, राइट? सो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. इसमें बहुत ईजी होता है उससे भटकना, बहुत ज़्यादा ईजी है सेल्फ मोटिवेशन से भटकना. क्यों ईजी है? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस का जो क्वांटम है, क्वान्टिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट यू हैव एट दिस एज, ये पीक पे चल रहा होगा अभी. एवरीवेयर कुछ भी, राइट फ्रॉम ये आपका गानों से लेके, घूमने फिरने से लेके, आपके रिलेशंस, ये वो सब कुछ पीक पे चल रहा होगा अभी. हार्ट ब्रेक्स, दिल लगाना, दिल टूटना, सब चल रहा होगा अभी, है ना? और पीक पे चल रहा होगा अभी, और ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाद में तो ज़िंदगी ख़त्म है. जो लेट आते हैं उनकी तो है ही है. नहीं नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ. आंसर्स वगैरह लिखे आपने इस बार, है ना? आ रहे हैं आंसर्स फ्लो में, आ रहे हो धीरे धीरे? इन आंसर्स का, इन क्वेश्चंस का कोई भी सिर पैर नहीं है. यूपीएससी में आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे उसका कोई सिर पैर नहीं होता, ठीक है? वो जस्ट चाह रहे हैं आपसे कि आप बिना सिर पैर वाली चीज पे सिर पैर के साथ में कौन सा जानवर बना सकते हो, ठीक है? दैट आप उसमें लॉजिक होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक. बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये वाला जो भी हमने क्वेश्चन किया था, अभी कुछ स्टूडेंट्स आए भी थे, इनफैक्ट पहले भी आए थे सेम क्वेश्चन के लिए, वो फिनटेक सेक्टर वाला जो क्वेश्चन था, राइट? कि फिनटेक इज़ दी ओनली वे फॉर द प्रूडेंट परकुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी एनालाइज, है ना? तो अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है. आप लोगों ने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी हुई है कि क्या होती है फिस्कल पॉलिसी. अगर अगर आपके पास में लार्ज अमाउंट में कोई पैसा है, एक कंट्री आपने चलानी है, तो आपको कुछ पॉलिसीज चाहिए. चलाना आपने माइक्रो लेवल पे है, लेकिन पॉलिसी आपकी मैक्रो लेवल पे है, राइट? अब मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल पे आके कैसे इंटीग्रेट होगा, राइट? सो दैट इज़ द क्वेश्चन कि वो इंटीग्रेशन के लिए जो ओनली वे है दैट इज़ फिनटेक. बैठ जाओ. ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है तो मतलब उसको रीवर्ड करके आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, देखो कि वो क्या पूछना चाह रहा है ना? और एग्जामिनर को भी नहीं पता होता वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है, हवा में होते हैं सवाल सारे. आपको ऐसे मिलेंगे जितने भी होगा, वो आर्किटेक्चर जो इंडियन कल्चर वाला सवाल था जैसे, है ना? कि इंडियन कल्चर को, इट इज़ अ नीड ऑफ द आर कि इंडियन कल्चर को अभी बचा लो, है ना? इस टाइप का सवाल था, उसको डिस्कस करने की बात करी हुई है. तो क्या है ये? इसमें कोई लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं.
लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो टेंजिबल चीज़ें हैं आपकी स्टैटिक वाली हैं, राइट, कि इंडियन कल्चर क्या चीज़ है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है और क्या क्या हो रहा है उसमें, और उसको बचाया कैसे जा सकता है, बचाना है भी या नहीं, ज़रूरत है भी या नहीं, राइट. तो इस टाइप की चीज़ें हैं. तो आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखो, बेस आपका हमेशा स्टैटिक ही रहेगा. मेरा जो काम है आपके पास, दैट इज़ कि उसी स्टैटिक में अगर आप 3 या 4 नंबर तक पहुँच पा रहे हो, उसके बाद में उसको 5 या 6 तक कैसे लेके आना है, राइट, रैंक कैसे बनाना है, वो आपको इस क्लास के अंदर सीखने को मिलता है. क्लास आज ऐसे लग रही है ना, वो पंजाब रोडवेज की बस है, पहले मैंने 43 से सवारियां उठाई थी, फिर ये 6 फेस रुकी है, अब खरड़ से अरमान चढ़ा है. चलिए शुरू करें आज के टॉपिक्स. डॉक्यूमेंट आ गया सबके पास? कितने काम है, फटाफट हाथ रेज करो. और कोई कुछ अगर शेयर करना चाह रहे हैं, आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जी? 5-6 जी. हाँ, आप दोनों के पास ही नहीं अभी? मैं हौसला रखता हूँ, कोई नहीं. एक काम करते हैं, अगली बार से हम क्लास 1:30 बजे शुरू करेंगे, पहले हम एक जनसभा लगाएंगे, तुम सबकी तकलीफें सुनी लूंगा मैं, है ना. जिसकी जो तकलीफ होएगी मेरे को रिटर्न में दे देना. पहले स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस लेंगे हम इसमें, ठीक है जी. जो रिक्वेस्ट मानने लायक हुई उसको मान लेंगे. और स्पेशल रिक्वेस्ट के तहत अरमान की सीट के नीचे हम लोग इसको नट बोल्ट से कस देंगे, ठीक है. अगर तब भी ना माना फिर एक नट बोल्ट इस पर भी कसेंगे, ठीक है जी. सहमति है सबकी? चलिए. अच्छा, आप लोग ना प्लीज़ शेयर कर लो, इसको शुरू करते हैं टॉपिक ना, फिर लास्ट में थोड़ा रश करना पड़ता नहीं तो. सो एक MOU साइन हुआ है, राइट. और रिसेंटली जो ये MOU साइन हुआ है, ये तेलंगाना स्टेट के लिए हुआ है, राइट. बट वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जो लोग 1 अक्टूबर को हिमाचल के पेपर में अपना लक आजमाना चाह रहे हैं, वो पेपर लक बेस्ड है, क्योंकि जो भी अपना लक आजमाना चाह रहे हैं तो वो लिख लें कि ये तेलंगाना स्टेट के साथ में हुआ है, राइट. सो क्या है ये? इट्स MOU जिसका नाम है, दैट इज डाटा. ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है वहाँ पे, इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, राइट. व्हाट इज रिजिलियंस? क्लाइमेट रिजिलियंस पे बाद में आएंगे. रिजिलियंस क्या होती है सोचिए थोड़ा सा, उससे आपको ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर होगा. ये इससे वाइडर है ये टॉपिक, क्योंकि हाँ, यू कैन विदस्टैंड हार्श कंडीशंस. थोड़ा स्टबन होना, मतलब वो विदस्टैंड की बात ही होगी इसमें, व्हेन वी टॉक अबाउट इसमें रेजिस्टेंस. इसके अलावा एक और इसमें एस्पेक्ट रहता है, दैट हाउ क्विकली यू रिकवर फ्रॉम द डिफिकल्टीज. रेजिलियंस का एक और पार्ट भी रहता है. रेजिलियंस को अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो इसको ना इलास्टिसिटी बोला जाता है, कि आप जैसी आपकी कंडीशंस रिमूव होती हैं तो वापस बाउंस बैक कितनी जल्दी कर पाते हो, राइट. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एग्रीकल्चरल सिस्टम के अंदर जब हम रेजिलियंस की बात करेंगे तो हम किसके अगेंस्ट रेजिलियंस की बात करेंगे? इन्वायरमेंट इन जनरल, राइट. तो उसके अंदर में जैसे इन्होंने बोला पेस्ट, क्लाइमेट, वाटर शॉर्टेज,
ये पंजाब में शादियां होती है ना, उसमें जो तो जिन्होंने अरेंज कराया होता है फंक्शन, वो गेट पे खड़े रहते हैं, गेस्ट आते रहते हैं, सेटल होते रहते हैं, आधे टिक्कियों की तरफ हो जाते हैं, आधे शगन की तरफ हो जाते हैं, है ना। एक बंदा वहाँ खड़ा होता है परमानेंट में। ऑल राइट, तो हम बात कर रहे थे रेजिलियंस की, राइट, कि इट इज़ द कैपेसिटी टू विदस्टैंड एनी एक्सटर्नल डिफिकल्टी और आप कितना जल्दी उससे बाउंस बैक करते हो, राइट। उसके बाद में वी केम टू कि ये जो डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, ये एक MOU है, राइट, जो साइन हुआ है बिटवीन कोलैबोरेटिंग एजेंसीज, आपको टॉप पे लिखी हुई मिलेंगी। आप 5 ही कर देना, आज मेहमान थोड़े लेट आ रहे हैं, 2 और आ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक इनके पास वो आते हैं, लेट अस डिस्कस समथिंग इसके ऊपर, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। आपको मैं ऊपर से बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। कि इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी विच विल बी जियो स्पेशियल इन नेचर, राइट। जियो स्पेशियल हमने पढ़ा हुआ है क्या चीज़ होती है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टर्म है ये, राइट। वाई डू वी वॉन्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये पर्टिकुलर चीज़, कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बनेगा इसका, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सोचिए जरा किसके लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का डील करने के लिए 60% हाउस होल्ड जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, राइट, ठीक है। और बताओ इसको कैसे फॉर्म करोगे। वैसे तो मेन बात यही है कि इंडिया जॉब के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट हैं, GDP के हिसाब से हम एक सर्विस सेक्टर हैं, हम एक सर्विस सेक्टर हैं, राइट। बट क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर स्टेट है, राइट, एंड एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली वल्नरेबल है आपके क्लाइमेट चेंज को लेके, राइट, दैट इज़ वाई इस टाइप की चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एनीथिंग दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस क्लाइमेट रिजिलियंस, क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर, एज UPSC एस्पायरेंट्स, हमारे लिए खासकर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अराउंड सवाल आता ही आता है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, इसके अंदर आपको सवाल जो है वो मिल ही जाएगा, राइट। अब इसके बाद में जो इन्होंने बात करी है, जैसे हम स्टार्टिंग में ये बात करेंगे कि इंडिया क्योंकि मोस्टली डिपेंडेंट ही इस पर है, तो इस वजह से हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भी जो हमारी बेसिक नीड्स होती है उसमें फूड टॉप पे ही आता है, राइट। सो फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोचो जरा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, लगाना ही पड़ेगा हमें 3-4 मिनट और। एग्जैक्टली हालांकि व्हेन वी से रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वी से दैट एवरी रॉ मटेरियल इज फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, उसका एक सब पार्ट होता है एग्रीकल्चर। इसके अलावा वी हैव क्वेरिंग, वी हैव माइंस, हमारे पास और भी बहुत सारे एरेनाज होते हैं जहाँ से हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, बट सोचने की डायरेक्शन सही है। अब हम खुल रहे हैं थोड़ा सा, सही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बाहर को जा रहे हैं अब हम, राइट। क्लाइमेट चेंज को भी थोड़ा सा लिंक करके यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से ऑलरेडी हमारी जो क्रॉप यील्ड्स हैं उसके ऊपर फर्क आ रहा है, तो वी एक्चुअली नीड इट। ऐसा नहीं है कि हवा की बात है कि हम लोग एग्रीकल्चरल स्टेट हैं इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा, नहीं, हमारे ऊपर एक्चुअली इसका फर्क जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी इट इज़ ऑन गोइंग, राइट। इसके अलावा जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ वॉट, आपका वेदर पैटर्न एंड पैटर्न ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, इसके अंदर शिफ्ट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। नाउ जो प्लांट्स हैं दे आर नॉट दैट रेजिस्टेंट टू अ शिफ्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने घर पे कोई प्लांट रखा हुआ है, जो रूम प्लांट्स होते हैं बेसिकली, राइट, आप उनकी लोकेशन थोड़ी सी भी चेंज कर देते हो, दे स्टार्ट टू डाई, राइट। तो रेजिलियंस कम होती है प्लांट्स के अंदर, सो वी नीड जेनेटिक इंजीनियरिंग इस फील्ड के अंदर भी।
प्रिपेयर्डनेस चाहिए हमें, जैसे ये तो एक एक डेटा प्लेटफॉर्म है तो हमें प्रिपेयर्डनेस चाहिए उसके लिए। आइए चलिए देखते हैं इसको, हो गया पूरा ठीक। फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स ओपन एक्सेस टू की जियोस्पेशियल डेटा सेट्स पर्टिनेंट टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है जी, कौन से की स्पेशियल डेटा सेट्स हो सकते हैं यहां पे सोच के देखिए थोड़ा सा, एज सिंपल एज वेदर रिपोर्ट है ना, हेल स्टॉर्म आने वाला है या कुछ इस टाइप की चीज है, इस बारी मानसून थोड़ा सा लेट आएगा तो उस हिसाब से राइट, टेम्परेचर चेंजेस, पास्ट प्रैक्टिसेस, क्या अभी तक क्रॉपिंग में पैटर्न रहा है, किस किस साल में, इट कुड बी एज सिंपल एज वेदर रिपोर्ट एंड एज कॉम्प्लेक्स एज द आपके जो सन साइकिल होती है, सन स्पॉट्स की साइकिल होती है, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन इट राइट। वाटर अवेलेबिलिटी, अगर आप जैसे पहाड़ों में हो तो आप जैसे वो बुग्याल्स होते हैं ना, ग्रासलैंड्स जहाँ पे वो लेके जाते हैं, उनकी पोजीशंस भी शिफ्ट होती रहती हैं, सो यू नीड अ ड्रोन उनके पास तो कहाँ ही होगा, और यू नीड अ जियोस्पेशियल डेटा जो कि आपको इसके थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा राइट। सो दीज आर द डेटा सेट्स, लॉन्ग टर्म प्रडिक्शन, शॉर्ट टर्म प्रडिक्शन, फ्लड कहाँ पर आएगी राइट, कि शॉर्ट टर्म में फ्लड कहाँ पर आ रही है, लॉन्ग टर्म प्रडिक्शन इज कि यार हर 7 साल में यहाँ आती आती है राइट, तो उस 7वें साल के अंदर आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहते हो। प्रिपेयर्ड कैसे रहते हो, आइदर सैंड बैग्स लगा के राइट, या फिर आप ऐसी क्रॉप्स लगाते जो पानी में ख़राब नहीं होंगी अगर फ्लडिंग हो जाए तो, वाटर लॉगिंग हो जाए थोड़े टाइम तक राइट। सो इस टाइप की चीज़ें आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, एम्स टू एनहेंस लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है हो गई, एस बहुत सिंपल पॉइंट है ये। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जो बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है आपकी कोलैबोरेटिंग एजेंसीज, UNDP और इंडिया में जो इसका पॉइंट रहेगा, सोर्स पॉइंट रहेगा, दैट इज योर NABARD, बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है बच्चे। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये ऑलरेडी UNDP हमें पहले से ही डेटा प्रोवाइड कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर। इंडिया भी हमारे फार्मर्स को डेटा प्रोवाइड कर रही है, जियोस्पेशियल डेटा। इफ़ यू सी द थर्ड लास्ट पॉइंट क्यूरेटेड बाई UNDP टू इन्फॉर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर एंड ऑलरेडी प्रोवाइड इंटेलिजेंस ऑन क्लाइमेट रिजिलियंस फॉर 50 million hectares ऑफ फार्मलैंड अक्रॉस इंडिया। तो कोई नया, ये नया कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपके लिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ वाई इन इंडिया, वॉट इज़ क्लाइमेट रिजिलियंस और इसके पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको ये सवाल पूछा जाएगा, वो उस तरफ को लेके जाएगा वो। प्लस इसके साथ में जो टॉपिक्स एक्टिवेट होते हैं दे आर दी वंस की टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ना, आपने बेसिक तो पढ़ी होंगी, मिक्सड फार्मिंग, ये फार्मिंग, वो अनऑर्थोडॉक्स फार्मिंग मेथड जो हैं वो आ चुके हैं राइट, और 10 से 12 की लिस्ट है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी PDF है वो नेट पे अवेलेबल है, जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग आप टाइप करोगे एक PDF आती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पर आपको मिल जाएगी ऊपर ही, तो उसमें अराउंड 12-15 टाइप्स ऑफ फार्मिंग गिवन है राइट, उसमें से एक सुपरस्टिशियस फार्मिंग भी है, वो ये भी देखते हैं कि आपके स्टार्स एंड उसकी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से हम बीजेंगे, टाइप ऑफ फार्मिंग है ये। और UPSC ने जो पिछले 5-6 साल में सवाल पूछे हैं वो इन्हीं से पूछे हैं, जो ऑर्थोडॉक्स फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो सबको ऑलरेडी आती हैं, वो गॉन आर द डेज जब आपसे वो राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप ये पूछ लेंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल वो नहीं आएंगे, इधर से आएगा। हाउएवर अगर आपने PCS और HPS वाला पंगा ले रखा है राइट, तो आपको वो भी याद करना है। सेकेंड लास्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ गाइडेड बाय द डिजिटल पब्लिक गुड प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन एक्सेस, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन कोड एंड ओपन APIs राइट। ओपन सॉफ्टवेयर पता सबको, जो मतलब जहाँ पे भी ओपन वर्ड आता है, बेसिकली जो ओनर होता है उस चीज़ का वो आपको सारे राइट्स दे देता है कि आप इस चीज़ को कैसे भी यूज़ करो, किसी के साथ भी यूज़ करो। ओपन एक्सेस का मतलब ये होता है आप आराम से डेटा निकालो, जैसे आई हैव दी ओपन एक्सेस टू द डेटा, तो मैं कई बार आपको शो भी कर देता हूँ, सीधा डेटा है, आप लोग फ्रीली कोड करो, जैसे जिसने यूज़ करना है वैसे करो राइट। एंड APIs तो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, याद होगा क्या होते हैं APIs? नहीं नहीं वो नहीं, जो बैंकिंग में पढ़ा था हमने API, मैं भी फुल फॉर्म भूल रहा हूँ वैसे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस,
जो कि दो सॉफ्टवेयर्स को बात करने में हेल्प करता है, दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, वो आपस में कैसे बात करेंगे, APIs के थ्रू बात करेंगे, तो ये APIs भी प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेट अस राइट समथिंग अबाउट UNDP एंड NABARD, राइट, ताकि प्री वाला हमारा एंगल कवर हो जाए इसमें। UNDP का लिखते पहले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेन मेन पॉइंट ही लिखवाऊंगा मैं जो पूछे जा सकते हैं, राइट। एस्टैब्लिश्ड इन 1965, हाँ UNDP एस्टैब्लिश्ड इन 1965 बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसी में ब्रैकेट में लिख लो ऑपरेशनल इन जनवरी 1966। UPSC नहीं पूछेगा इसको और HPAS वाले नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन है तो दोनों याद रखना आप, ऑपरेशनल इन जनवरी 1966। इट इज बेस्ड ऑन द मर्जिंग ऑफ, दो एजेंसीज को मर्ज कर दिया गया था, वो जो आप लिखोगे इसको ऐसे करके लिख लेना यहां पे ताकि आपको याद रहे दो हैं अलग से, यूनाइटेड नेशंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस और दूसरी है यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड। मतलब बहुत अगर सिंपल उसमें अगर आप देख पाओ इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कंट्रीज को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है, बहुत बहुत सिंपल उसमें बता रहा हूँ मैं। तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े UNDP करता है, आपको इंफ्रा के लिए फंड देना है UNDP दे सकता है, आपको कोई सोशल प्रोजेक्ट करना है UNDP फंड दे सकता है, पर इट शुड बी रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक वाला हिसाब है, जैसे IMF क्राइसिस में आता है जब कंट्री फंस चुकी है तो IMF आएगा, लेकिन अगर कंट्री ग्रो कर रही है और उसको डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो वर्ल्ड बैंक आता है। वैसे ही UNDP है, इसका फोकस रहता है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो दिस इज द, और ये जो दो एजेंसीज का मैंने आपको नाम बताया ये यही काम कर रही थी, अब दोनों इसके मर्ज होके ये काम कर रही हैं, राइट, सेपरेट करने की बजाय। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज़ फंडेड एंटायरली बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम मेंबर नेशंस, ठीक है। फंडिंग इसकी ऐसे होती है, तो एडवाइस, ट्रेनिंग, कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती है UNDP प्रोवाइड करता है, राइट। और इसकी एक बड़ी फेमस पब्लिकेशन है, हमने बहुत बार कवर भी करी है, एनीवन, एक इंडेक्स आता है इनका, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वो इनकी रिपोर्ट है, लिख सकते हैं आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिकेशन। तो PCS वगैरह में कैसे सवाल आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वैसे करके सवाल आएगा, इजी क्वेश्चन होगा ये अगर आया तो। लास्ट इसमें लिख लीजिए एक और जो कि प्री में आ सकता है, UNDP एग्जीक्यूटिव बोर्ड is made up of 36 countries serving on a rotational basis. वो राज्यसभा वाला हिसाब किताब, मतलब उसमें तो खैर पूल ज्यादा होता है,
बट आप समझ रहे हो कि कुछ समय बाद कुछ मेंबर्स निकल जाएंगे, कुछ नए मेंबर्स आएंगे, 36 इसके अंदर रहेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ दी इन्फॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर, इससे अंदर नहीं पूछेगा कोई। नबार्ड का लिख लेते हैं, यही दो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एस्टैब्लिश्ड इन 1982। इसके एक्ट का नाम पता है किसी को? नबार्ड एक्ट, अंडर नबार्ड एक्ट 1981। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1982 अंडर नबार्ड एक्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही सब कुछ है इसके, राइट? नबार्ड क्या करेगा? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। अगर कोई इंडस्ट्री आपके किसी रूरल एरिया में लगेगी तो नबार्ड विल बी द वन जो उसको फंडिंग वगैरह देखेगा वहाँ पे, राइट? स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ, राइट? सिर्फ प्री स्पेसिफिक पॉइंट लिखवा दूँ ना आपको, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे, राइट? नबार्ड को डिटेल में देखोगे आपके क्यों बनाया हमने, कैसे किए। इट सुपरवाइजेज कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। And help integrate them to CBS, core banking solution to CBS. CBS समझते हो? ये आई थिंक हमने पहले भी टर्म आया था एक बार, शायद हमने डिस्कस नहीं किया था व्हाट इज CBS। CBS इज नथिंग बट बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। सो कहने का मतलब, अगर कहीं पे आपने अकाउंट खुलवाया तो रादर देन बिकमिंग अ कस्टमर ऑफ दैट ब्रांच, यू बिकम अ कस्टमर ऑफ द बैंक। तो आपका अगर आप ICICI में कहीं आपने अकाउंट खोला तो यू कैन टेक द सर्विसेज एनीवेयर वेयर द ICICI बैंक इज, तो आप बैंक के कस्टमर बन जाते हो, जहाँ जहाँ पे भी उसकी ब्रांच होगी आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो नबार्ड का ये काम है कि जो छोटे बैंक्स हैं उनको CBS के अंदर लेके आना है, राइट? ताकि कस्टमर के पास में थोड़ा सा एक्सेस वाइड हो जाए। और ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये स्टेट एग्जाम वाले पूछ लेते होते हैं, आया भी है ये एग्जाम में 3-4 बार एटलीस्ट। इट इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन to provide finance for agriculture, and rural development. ठीक है, recalling that previous question जिसके अंदर हम लोगों ने वो बात करी थी कि fiscal policies को percolate करने के लिए fintech चाहिए, right? तो आपको NABARD के अंदर भी fintech थोड़ा सा दिख रहा होगा कि वो उनका भी काम है कि CBS के अंदर लेके आना है, तो मतलब solution तो तगड़ा ही है वो फिनटेक, राइट? अगर आपके पास में फाइनेंस है एग्रीकल्चर के लिए तो उसको डिसबर्स करने के लिए आपको आधार लिंकेज, पैन लिंकेज, ये सब चाहिए ताकि एवरग्रीनिंग ना हो, और वो सब कुछ फिनटेक ही करके देगा आपको, राइट? बस उस क्वेश्चन में कैच ये है कि एक ओनली वर्ड आ रखा है ना, जिसके लिए जिसको समझने के लिए आपने लाखों की फीस भर रखी है, दैट इज़ द वर्ड जो आपको तंग करेगा, अदरवाइज एनी वन कैन अंडरस्टैंड। गिव मी 30 सेकेंड्स, आई विल एक्सप्लेन एनी पर्सन की क्या पूछ रहा है, वो आंसर दे देगा। मुद्दा ओनली का है वहाँ पे, जिसके लिए आपको थोड़े से राइटिंग स्किल्स चाहिए, राइट? अच्छा, इस बार आपने लिख रखे है ना ये आंसर, ये वाले, इसके कोई रोड ब्लॉक हिट हुआ था ये लिखते हुए? ठीक है, चले आगे, दैट इज इनफ। यहाँ पे इसके अंदर इतना है, आपको जो चीज़ें याद रखने वाली हैं आई थिंक आपने मार्क कर ली होंगी। किसको देता है? हाँ, सबको, मतलब रूरल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत वाइड हो गया ना, उसको रूरल डेवलपमेंट के अंदर इट इंक्लूड्स योर कॉटेज इंडस्ट्रीज, और कॉटेज इंडस्ट्री को हम स्पेसिफिकली ट्राई करते हैं कि वो SHGs के थ्रू आए।
ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इट में साउंड रिडंडेंट, इट में सीम रिडंडेंट, राइट, बट इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, व्हेन आई रेड द रिपोर्ट, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स यूपीएससी की थोड़ी आदत है पूछने की, राइट, और खासकर जैसे कि पिछले कुछ सालों में वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है यूपीएससी, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा बेटर वर्ल्ड व्यू दे रही हैं, राइट. सो इट इज़ फूड प्राइस इंडेक्स, राइट, और कौन देता है इसको? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आपकी, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, राइट. सो वो क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं, जो इंडेक्स है, दैट हैज रिसेंटली फेल टू अ 2-year लो, है ना. ये बोल रहा है कि प्राइसेस फूड के कम हो गए हैं, 2-year लो पे गए हैं, राइट. और एक तरफ हम देख रहे हैं कि फूड क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली रिपोर्ट आपको थोड़ा सा तंग करेगी, आपका काउंटर आपके इंट्यूशन के खिलाफ जाने वाली है ये रिपोर्ट, राइट. बट देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है वो. आइए, कैसे मेजर करते हैं वो? इट्स बेस्ड ऑन दी 5 कमोडिटी ग्रुप प्राइस, है ना, जो कि कॉमन है वर्ल्ड वाइड. जो बेसिक जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, ऐसे 5 कुछ कमोडिटीज़ हैं. सेकेंड पॉइंट के अंदर गिवन है वो, अबाउट FAO FPI के जो है सेगमेंट, विच इंक्लूड्स सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, शुगर, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट. सो दीज आर दी आपके 5 कमोडिटी ग्रुप. सो बाय द वे, ये आपको वो भी हाईलाइट करके दे रहा है साथ में, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी तो हमने किन किन एलिमेंट्स को देखना होता है. व्हेन वी ट्राई टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी जब एज अ कॉन्सेप्ट, तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जो हमने ध्यान में रखने होते हैं, राइट. और अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करके आंसर लिखते हो तो ऑटोमेटिकली होलिस्टिक बन जाता है आपका आंसर. इसके नेक्स्ट पॉइंट में गिवन भी है, दे आर चोजन फॉर देयर हाई एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड ट्रेड, राइट. तो ये फूड सिक्योरिटी को हाईलाइट करते हैं ये 5 प्रोडक्ट्स. आइए नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसको एक एक करके पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं. देख, समझना तो क्या ही है, थोड़ा याद कर लेना साथ साथ. ओवरऑल वो उसने बोला दैट फूड प्राइस इंडेक्स डिक्लाइंड 2.1%, है ना, इन अगस्त 2023, और बीच में जुलाई के अंदर जो पहले थोड़ा सा गेन हुआ था, प्राइसेस थोड़े से गेन हुए थे. क्यों गेन और डिक्लाइन हो रखे होंगे? ये सिंपल इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट है, प्राइसेस डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ये सारे एलिमेंट्स को जब हम देखेंगे अभी आगे जाके, इन सब का जो कोर यही डिमांड सप्लाई ही रहेगा. इनफैक्ट इकोनॉमी में हर जगह वही रहता है, हर जगह वही रहता है. आप थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हो, आपको हर जगह डिमांड सप्लाई मिलती है, राइट. डिमांड सप्लाई समझते हो ना, कि अगर मान लो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, राइट, इनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे भी चाहिए, इनको भी चाहिए, राइट, तो हम दोनों आपस में कंपटीशन में आएंगे और इनका फ़ायदा हो जाएगा, इनको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, राइट. तो हमने डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी. ऑन दी अदर हैंड, इनके पास चीज़ें दो हैं, ख़रीदने वाला मैं अकेला हूँ, इनको दोनों चीज़ें बेचनी है, तो प्राइस मेरे हिसाब से जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, राइट. दिस इज़ कॉल्ड डिमांड सप्लाई, और इसका इक्विलिब्रियम में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज़ वाई होल्डिंग इज़ बैड. होल्डिंग जब करते हैं तो दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस. प्राइस एकदम से शूट 300%, 400% शूट हो जाता है. अभी टमाटर मार के आए थे चक्कर ऊपर का, देखा था, है ना. चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं. द ड्रॉप इन ओवरऑल इंडेक्स रिफ्लेक्टेड डिक्लाइन इन डिमांड, सेकंड पॉइंट में, फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, मीट एंड सीरियल्स. ओवरऑल डिमांड में डिक्रीज आया. रीज़न नहीं बताया हुआ इन्होंने क्यों आया, वो किसी और एजेंसी का काम है, ये सिर्फ बता रहा है कि डिक्रीज आया डिमांड में. इसके बाद में अगला पॉइंट स्किप कीजिए, उससे नेक्स्ट में आइए आप. कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स ड्रॉप्ड, क्यों? ड्यू टू लोअर प्राइसेस अक्रॉस पाम, सनफ्लावर, सोय एंड रेपसीड ऑयल्स, ठीक है जी, उनकी सप्लाई बढ़ी तो इसलिए इनका प्राइस कम हो गया, डिक्लाइन हो गया. Price of meat, same reason. Export availabilities from Australia and weaker demand from China. जो third point है, declines were seen in dairy products amid abundant supplies from Oceania. क्या है ओशियानिया? हाँ, चार चार ग्रुप्स हैं वहाँ पे,
कौन कौन से? ग्रुप ग्रुप ग्रुप, एक ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं, मेलेनेशिया, देख लेना इसको एक बार, है ना, कौन कौन सी कंट्रीज, फिजी भी उसका पार्ट है, ये छोटी मोटी कंट्रीज यहाँ पे हैं, राइट? नहीं पता, रिपोर्ट में नहीं गिवन, आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या क्या क्यों हो रखा होगा, क्या है, रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली इसको स्किप किया हुआ है, ढूंढ तो मैं भी रहा था कि क्यों किया है, ऐसा क्यों हुआ है, बट मिला नहीं, क्या हो सकता है, सोचो वैसे। ओशनिया की बात कर रहे हो? वर्ल्ड वर्ल्ड का है ये, ग्लोबल, हाँ ग्लोबल ग्लोबल कमोडिटी। ये वाला, ओहो अच्छा, ही सेइंग आपकी इंट्यूशन नहीं आपको बोल रही कि ये गलत है, दैट इज द ओनली रीजन वी हैव डेटा, ये आपको आपकी इंट्यूशन आपको धोखा देती है, अदरवाइज यूपीएससी में कंपटीशन है ही क्यों, क्योंकि वो सवाल आपको पूछते वहीं पे है जहाँ पे आपका आपका मन कह रहा होता है कि नहीं यार यही सही है, राइट? ऑन द अदर हैंड होता कुछ और है, दैट इज वाई वी हैव रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं इसके लिए, अगर आपने जैसे जिनके पास सोशियोलॉजी है या इनफैक्ट जिन्होंने सोसाइटी सब्जेक्ट जो हमारे स्टैटिक में आता है वो पढ़ा हुआ है, देयर वी हैव, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं कि रिसर्च करनी कैसे होती है। एवरेज, इट्स अ ग्लोबल एवरेज, ऐसे मान के चलो ना, एक मोमोज की प्लेट है, ठीक है जी, इनके गांव में मिल रही है 200 रुपये की, सिर्फ इनके गांव में 200 रुपये की मिल रही है जी, मेरे एरिया में वो 20 रुपये की है, सबके एरिया में 20 रुपये की है, तो एवरेज प्राइस क्या होएगी? आप पता कहाँ, ये पता कहाँ टच करना चाह रहे हैं अभी, ये क्या हाईलाइट हो रहा है अभी राइट नाउ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट दिस इज बीइंग हाईलाइटेड, दैट इज व्हाई वी नीड आपकी लोकल गवर्नमेंट्स, तो करके हम पंचायत को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आपके ग्लोबल एवरेज के अंदर, राइट, और आपके लोकल सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कितनी चल रही है हमारी नेशनल इनकम पर कैपिटा? 1,35,000-40,000 के आसपास है, या 42,000 आई थिंक, 1,42,000 के आसपास है पर कैपिटा इनकम राइट नाउ, कमा रहा है हर कोई 1,42,000? हाँ, तो ये वाला डेटा थोड़ा सा धोखे में रखता है आपको। तो अगर आपके पास सवाल आएगा एफएओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यही है, तो डिक्लाइन हो या तो हो या, यहाँ पे एक ऊपर लिखा भी है, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन आप देखोगे ना, एज डिक्लाइन इन मोस्ट फूड कमोडिटीज ऑफसेट इंक्रीजेस फॉर राइस एंड शुगर, वो भी मान रहे हैं कि ग्लोबली जो आपके राइस के प्राइसेस हैं और शुगर के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उसको ऑफसेट कर दिया गया है आपके बाकी प्राइसेस से, ठीक है, एवरेज एवरेज का यही पंगा होता है। फूड में, फूड इतनी ज़्यादा ऐसी भी डिमांड नहीं होती है, फूड में रैचेट इफेक्ट चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की मान लो अभी इनकम, लेट अस अज्यूम 5 गुना होगी, हालांकि 5 × 0 इज 0, बट लेट अस अज्यूम कि किसी की इनकम 5 गुना होगी है, राइट? अब उसकी कंजम्पशन थोड़ी बढ़ जाएगी फूड की, यू मे ओकेजनली गो टू रेस्टोरेंट्स एंड स्टफ, बट ऑन एन एवरेज आप अगर आप 2 रोटी खाते हो तो क्योंकि आपकी इनकम 5 गुना होगी, अब 10 पे थोड़ी आ जाओगे, राइट? तो फूड डिमांड इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। बोलो, हो सकता है, बट एन एंगल उधर का भी घूम रहे हैं हम, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगेन जो पहली स्टेटमेंट मैंने क्लास में आके दी थी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है इधर, अगर आप कहीं पैर टिकाना चाह रहे हो ना फिसलते रहोगे, पैर नहीं टिकेगा यहाँ पे कहीं पे, राइट?
क्या क्या हो सकता है वही एंटिसिपेशन पे जाना पड़ेगा आपको। रिपोर्ट ने क्लियरली साइड स्टेप किया है क्या रीजन है क्या नहीं है, है ना। और ठीक है जी, क्लियर है जो भी है भी? आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरेज में पंगा रहता है, हमेशा रहेगा। इसीलिए हम लोग नेशनल इनकम को एक अच्छा मेजर नहीं मानते, हम जीडीपी को एक अच्छा मेजर नहीं मानते। हम अब किसकी तरफ जा रहे हैं? हम जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, है ना, कि आप एक्चुअली वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हो। आपकी अगर कनक वहाँ से निकली है और उसकी एक्स अमाउंट है, उसके बाद जब मैंने उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करी, मैंने आटे में कन्वर्ट करी, मैंने वैल्यू ऐड कर दी उसके अंदर, राइट। ये आपका प्राइमरी प्रोडक्ट निकला जो कि आपकी खेती है, इसके अंदर मैंने कुछ प्रोसेस डाला, राइट, इसके बाद ये बन गया आटा, ये आटे की बोरी है, ठीक है, राइट। इसके बाद में मैंने और वैल्यू ऐड करी, आटे से मैकडी वालों ने बन बना दिए, राइट, या किसी एजेंसी ने बन बना दिया, बर्गर के बन जो हैं, और इसके प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। जो फाइनल आप जो खाओगे प्रोडक्ट, उसकी एक वैल्यू आएगी, और इन बिटवीन जो भी चीज़ें आई हैं उसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन है। इस सब के सम को जीवीए कहा जाता है, ठीक है। और उससे पहले क्या था आपके पास में? उसके पहले आपके पास सीड थे, फर्टिलाइजर्स थे, ज़मीन थी, राइट, उसकी कुछ वैल्यू थी, आपने वैल्यू ऐड करी और क्रॉप बना दी। तो इन सब की एडिशन जब हम करते हैं वी गेट जीवीए। तो हमेशा पंगा रहेगा जब आप सबको क्लब कर देते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास के एवरेज स्कोर की बात करूं तो 0.75 के आसपास होगा एवरेज स्कोर, राइट, और टॉप स्कोर 3 के आसपास। हाँ जी, तो तभी तो स्टेट गवर्नमेंट है आपके पास, तभी तो आपको हमने इलेक्शन का वो दे दिया ना। आप अपना सरपंच चुनो, आप अपना एमसी चुनो, वो आपके लिए ऊपर बात करेगा। लोकल गवर्नमेंट को पता होता है पंजाब में, खैर यहाँ तो ये ऐसी स्टेट है जहाँ फूड क्राइसिस नाम की चीज़ नहीं है, राइट, यहाँ पे क्रॉप फेलियर के नाम की चीज़ है, यहाँ पे क्रॉप फेलियर होता है, राइट। तो उस समय किसके नारे लगते हैं? FPI हाय हाय, हाँ, बिकॉज दे आर दी वन जो लोकली एक्ट कर रहे हैं। ये गाइडिंग फोर्स के लिए होता है, आपको बस ग्लोबली पता होना चाहिए क्या चल रहा है। नाउ एज एन एस्पायरेंट यू कैन कॉमेंट कि जब ग्लोबली आपके एवरेज प्राइसेस डिक्लाइन पे जा रहे हैं, हमारे इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, राइट। सो उस एंगल पे लेके जाना है इसको। PCS के लिए इंपॉर्टेंट है FPI कौन देता है, FAO देता है, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स में पढ़ना इसको, लंबा निकल जाएगा। इनपुट कॉस्ट होती है हर किसी चीज़ के अंदर, यहाँ भी इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ भी इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ भी इंडस्ट्री लगेगी। GDP इज़ दी फाइनल, उसमें मिक्सअप ये चीज़ें एनगल्फ हो जाती हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, रियली वॉन्ट टू टेक द क्वेश्चन, आई एम ओवर स्टेपिंग ऑन योर इकोनॉमिक्स टीचर, ठीक नहीं रहेगा वो। FAO के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशंस नहीं बोला था तो इसलिए हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये HP और PCS के लिए भी लिख लो। हेडक्वार्टर्स रोम, कहाँ पे है रोम? सिस्टर बॉडीज, दो सिस्टर बॉडीज हैं इसकी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD,
goal achieving food security. और food security की जब हम बात करते हैं, it subsumes nutrition also. ठीक है, इसके ना कुछ कुछ रिपोर्ट्स आती हैं इंपॉर्टेंट, कुछ तो हमने कवर करी हुई है. सोफिया, ये तीन चार इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, लिख लेते हैं. रिपोर्ट्स पब्लिश्ड, ऐसे याद रखना इसको, तभी याद रहेगा ये. मतलब सोफिया है ना, इन सबको जब आप डेट पे लेके जाओगे तो आपको फूड खिलाना पड़ेगा. ठीक है जी, जस्ट अ ट्रिक याद रखने के लिए. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट नंबर वन, सोफो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट. सोफिया, नेक्स्ट SOFIA. स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. सोफी, SOFI. स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. और सोको, SOCO. स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स. इसमें आई थिंक सॉइल वाली रिपोर्ट भी थी, हमने कवर करी थी क्लास में, फॉरगेटिंग द नेम. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो रिवाइज करने में तो पुराने नोट्स उठा के देख लेना एक बार. स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स. ठीक है, आई थिंक दैट इज इनफ इसके लिए FAO के अंदर. नेक्स्ट पेज अगर आप देखेंगे, पेज नंबर 3, इस रिपोर्ट ने एल नीनो फिनोमिना के बारे में जिक्र कर दिया है. सो देर इज अ चांस कि PCS के अंदर आपको एल नीनो के ऊपर या ला नीना के ऊपर सवाल आ जाए, तो उसको एक बारी ढंग से पढ़ के रखना एवरीथिंग. अगर PCS वाले सवाल पूछेंगे तो दे विल आस्क ऑन करंट, कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे. UPSC पूछेगा तो हो सकता है वो करंट्स के ऊपर ना पूछे, पर वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछेगा, राइट, कि अब नॉर्मल वार्मिंग हो रही है तो उससे हो क्या रहा है एक्चुअल में, राइट. तो इस टाइप के हैं. चलिए आगे चलें. अगेन इट्स अ विन फॉर इंडिया. नेक्स्ट कमिंग टॉपिक, OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. क्या होती है मेट्रोलॉजी? हाँ, इज अ साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है जी, तो अब इंडिया इज वन ऑफ द 13 कंट्रीज जो कि OIML सर्टिफिकेट्स दे सकती है. थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचो, ये हो क्या रहा है. OIML सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत किन किन को पड़ती है? एनीथिंग दैट मेक अ मेजरमेंट और रिक्वायर्स अ हाई प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, उसको OIML सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है. अभी चंडीगढ़ में ड्राइव तो करते ही होंगे आप लोग, है ना, अगर कभी मौका लगता है जाते हैं तो. वहाँ पे स्पीड कैमराज लगे हुए हैं. नाउ स्पीड कैमराज हैव टू बी कैलिब्रेटेड, इट हैज़ टू बी कैलिब्रेटेड, ईच एंड एवरी कैमरा, है ना. अब वो कैलिब्रेट होगा तो उसकी कैलिब्रेशन, और चंडीगढ़ में एक और नाका लगता है, या इनफैक्ट वो तो बाकी जगह पे भी लगने लग गए हैं ब्रेथलाइजर्स वाले, राइट. अगेन दैट इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी कैलिब्रेटेड. आप कहीं पे ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हो, राइट, वहाँ पे कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है ना. तभी एक जगह की रिपोर्ट दूसरी जगह पे वैलिड होगी ना, राइट. तो ये ब्रेथलाइजर्स और स्पीड रडार वाला मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया आपको,
थोड़ा टेंजिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट? क्या वो जाते नहीं हो गया तुम लोग बाहर कहीं पे? अब तक तो आप लोगों के आ जाने चाहिए कुछ कुछ चलान तो, है ना? ऑल राइट. तो इसके लिए हमें OIML सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है अगर हम उस चीज़ को इंटरनेशनली वैलिड करवाना चाह रहे हैं. तो अभी तक हमारे पास में जो स्पीड रडार्स और ये सब मौजूद हैं, इस ये सर्टिफाइड हैं, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशन बची हुई 12 कंट्रीज में से किसी ने करके दी है, ठीक है? अब हम कर पाएंगे सर्टिफिकेशन. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि ये एजेंसी क्या है और ये छोटी मोटी चीज़ें. अब इसका मतलब क्या है हमारे लिए अगर हम सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने लग गए हैं, राइट? तो हमारे लिए इसके लिए क्या फ़ायदा है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके पॉइंट्स लिखेंगे. थोड़ा देख लेते हैं ये क्या चीज़ है. तो मैं अगर तुम्हारा चलान काट दूं कि तुम 80 पे चला रहे थे और तुम्हारा स्पीडोमीटर कुछ और बता रहा है, मेरा डर कुछ और बता रहा है, हाँ, तो कौन कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं हम, समझ रहे हो? आपने मेरे से ब्लड टेस्ट कराया, मैंने बोला आपकी शुगर नॉर्मल है, आप हफ्ते बाद मर गए, मतलब कोई इशू आ गया. इसीलिए ज़रूरी है स्टैंडर्डाइजेशन ना. जब तक आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी, आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कैसे आओगे? आपका बनाया हुआ इक्विपमेंट कहीं और मैच ही नहीं करेगा, राइट? ये वो ऐसे समझो ना इसको, ब्रांडिंग नहीं है ये, इट इज स्टैंडर्डाइजेशन. जैसे 1956 ने इंडिया ने मेट्रिक कन्वेंशन साइन कर दी थी कि हम आपकी गाड़ियों की स्पीड कितने उसमें आती है, किलोमीटर पर आवर में जाती है ना? आप लोगों में से शायद वो पता होगा किसी को, आप लोग ना कुछ कुछ जिम्स में जाते हो ना, जब तो कुछ जिम्स के इक्विपमेंट ना अमेरिकन होते हैं, उनके जो प्लेट्स होती हैं पाउंड्स में होती हैं, राइट? 22 पाउंड की प्लेट है. और अगर जो इंडियन ब्रांड्स हैं या फिर इनफैक्ट जो यूरोपियन कंपनीज और ये सब हैं, वो आपको केजी में मिलती हैं. तो हमने मेट्रिक सिस्टम साइन किया था कि हम लोग मेट्रिक सिस्टम में जाएंगे, हम जो हमारा जो यूनिट्स होंगे वो हमारे मीटर्स होंगे, लेंथ के लिए मीटर्स या किलोमीटर उसके जो मल्टीपल्स हैं, वेट के लिए ग्राम्स एंड केजीज, राइट? यही ऑन दी अदर हैंड US इसको बोलता है कि हम, हाँ, राइट? फ्यूल भी गैलन्स में जाता है, हमारा लीटर्स में होता है ना, इस टाइप की चीज़. इसीलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत होती है. अब मैंने लीटर डिसाइड कर दिया, अब ये कैसे इंश्योर होगा कि जो पंप है वो 1 लीटर ही डिस्पेंस कर रहा है, उसके लीटर में फ़र्क हुआ तो? अब ये मत कहना कि होता ही है, हाँ, ठीक है. बड़ी जल्दी तारें छिड़ती हैं दिल की, है ना? जैसे कोई पर्सनल सा टॉपिक आता है, इट्स अ ट्रू, मतलब द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया. एक पंजाब के किसी पंप पे मैं खड़ा था, उसमें लिटरली वो लोग एक ट्रैक्टर के अंदर भर के लेके जा रहे थे, जिसके अंदर पानी भरा जाता है ना, उसके अंदर वो डीजल भर रहे थे ऊपर तक. और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि मेरे को निकल जाने दो पहले यहाँ से, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ आपका मेटल का है, टू मच स्टैटिक, और आप उसके अंदर डीजल पंप और प्रॉपर उससे नोजल से जो जिससे गाड़ियों में भरा जाता है, राइट? चलिए आगे लिख इसमें देखते हैं. OIML जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फर्स्ट अगर मैं देखेंगे उसमें जो लास्ट लाइन है, इंडिया कैन नाउ इशू OIML सर्टिफिकेट्स विच आर एक्सेप्टेड ग्लोबली. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी? विच आर एक्सेप्टेड ग्लोबली. 13th कंट्री बन गई है ये, PCS वगैरह के अंदर, ये HPS वगैरह के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री, 3rd, 4th, 8th, 13th, ये ऑप्शन में आ सकता है, राइट? चलिए आगे देखते हैं. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसमें हेडक्वार्टर्स बताया हुआ है, दैट मतलब इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1955, हेडक्वार्टर्स इन पेरिस. ये भी इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जाम के लिए. बट इंडिया बिकेम द मेंबर इन 1956, इन द सेम ईयर जब हमने मैट्रिक कन्वेंशन साइन करी थी. ये UPSC के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रख सकते हो आप. हमने इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स में डिसाइड कर लिया था हम किस तरफ होने वाले हैं. नाउ पार्टिसिपेंट्स इन दी OIML, नेक्स्ट उसमें आइए. 3 कैटेगरीज हैं, एक इशूइंग अथॉरिटी, राइट? अब ये 13th बन गए, हम लोग इशू कर सकते हैं ये सर्टिफिकेट्स.
एक है यूटिलाइजर्स जो कि इसको एक्सेप्ट और यूटिलाइज करेंगे, राइट, एज सिंपल एज दैट। थर्ड वन इज एसोसिएट्स जो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, दे आर फ्री टू यूज इट, राइट। उनको अगर कोई अच्छा इक्विपमेंट चाहिए फॉर एग्जाम्पल तो वो OIML सर्टिफिकेशन की डिमांड कर सकते हैं, राइट, बट दे आर नॉट बाउंड बाय इट कि करना ही करना है। नाउ OIML इशूइंग अथॉरिटीज मस्ट प्रूव कंप्लायंस विद ISO IEC, राइट, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो जो आप जो लोग टेस्ट करके दोगे सर्टिफिकेट्स, आपकी लैब्स इसके तहत में एस्टेब्लिश होनी चाहिए, राइट। समझ में आ गया ये पूरा टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो जहां पे ऑब्जेक्टिव गिवन है ना, पिछले वाले पेज पे आइए, टू हार्मोनाइज नेशनल लॉज, पेज नंबर 3 पे ऑब्जेक्टिव, टू हार्मोनाइज नेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस कंसर्निंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कोई भी यहां पे लिख लीजिए, इंक्लूडिंग, यहां पे आपका पॉइंट क्लियर होगा, इंक्लूडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, एल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर्स, रडार स्पीड मेजरमेंट्स, पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट्स, शिपिंग कंटेनर्स, पोर्ट मेजरमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस। जस्ट अ फन फैक्ट, इसके अंदर 13 कंट्रीज बोला है, नेम वन कंट्री जो इसमें पक्का नहीं होएगी, पाकिस्तान, मतलब वो तो ऑब्वियसली, और कुछ थोड़ा सोचो जो आपको लग सकता है पर वो नहीं होगी इसमें, यूएस इज नॉट अमंग दी 13 कंट्रीज, ठीक है, सिस्टम ही लग गया इसको, मैट्रिक वाले हैं ये। आइए चलो एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं और ऊपर हेडिंग भी डाल लेना, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। अब आओ, अब बताओ क्या होगा, अब दिमाग लगाओ इसमें। हाँ, नेबरिंग कंट्रीज हमारे पास आएंगी, सिंपल पॉइंट है, परफेक्ट, आपको भी तो फायदा होगा, आपकी जो MSMEs हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी हमारी इंडस्ट्री है उसको सर्टिफिकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब वो यहीं कर देगी सर्टिफिकेशन, ग्लोबल स्टैंडर्ड के होंगे, जिससे क्या होगा एक्सपोर्ट, और उससे क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज, सही है। और बताओ, ये तो सरफेस वाले हैं, ये तो तुम कर ही लोगे, और सोचो थोड़ा टेढ़ा निकलो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, उसमें हेल्प करेगा ग्लोबल, वो बोल रहे हैं कि ग्लोबल पावर जो हम बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वाइड है ये, कंट्री रिकॉग्नाइज होगी कि इंडिया इज द वन जो सर्टिफिकेशन दे रहा है, हालांकि सेम सा पॉइंट है ये जो उन्होंने पीयूष ने बोला था अभी, और सोचो ऐसा हो सकता है क्या कि जो OIML के जो पॉलिसीज हैं, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें इंडिया के इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा, हम स्टैंडर्ड भी तो चेंज कर सकते हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस आएगा OIML की पॉलिसीज के ऊपर, है ना। और कुछ कैसे कैसे मतलब वो तो उसका स्टैंडर्ड का काम ही है ना,
एक्सटेंट रीच नहीं बढ़ रही, रीच शायद ना बढ़े इससे. हालांकि इंडिया इज़ अ मोर अप्रोचेबल कंट्री, इंडिया का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, इंडिया की जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है, तो जो ये पॉइंट बोल रहे हैं वो इस तरीके से वैलिडेट होगा कि क्योंकि इंडिया इंटीग्रेटेड है वर्ल्ड के साथ में, हो सकता है बाकी जगहों पर भी स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. सही बात है. कैसे, किस किस में, थोड़ा और एक्सप्लेन करो. अच्छा, इशू अभी भी नहीं है, कोर्ट मानता है उनको. हाउएवर देर आर केसेस, एक तो बहुत बहुत पर्सनल केस ही है मेरे साथ, दैट उन्होंने 26 सेक्टर से हम लोग निकल रहे थे, तो उन्होंने ब्रेथलाइजर मेरे मुंह में डाल दिया, उसमें अल्कोहल आ गई. नाउ आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, उसमें अल्कोहल आ गई, तो मैं अड़ गया वहाँ पे. मैं कह यार आप ब्लड टेस्ट करा लो चाहे, पर ये तो नहीं हो पाएगा. उसने दूसरी बार लगाया, वो फिर से आ गया, राइट. थर्ड टाइम में मैंने घुमा के उसको बोला, मैं कहा आप मारना जरा इसमें फूंक, उसने मारी, उसका भी आ गया, है ना. तो अब वो भी ऐसे हो गया कि हाँ यार, मतलब अभी तो मैंने भी नहीं पी, है ना. तो इस टाइप की चीज़ से आपके क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स डोमेस्टिकली, क्योंकि सस्ते हो जाएंगे, है ना, इस एंगल पे जा रहे हो आप, ठीक है. हमारी भी तो लैब्स बढ़ेंगी. अब सर्टिफिकेशन जब आप प्रोवाइड करने लग गए हो, तो सर्टिफिकेशन ऐसे थोड़ी प्रोवाइड हो जाएगी. आपको हर इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए फैसिलिटी भी तो चाहिए. आपकी टेस्टिंग लैब इंक्रीज हो जाएगी, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी उसमें, और फिर आप छोटे मोटे एंगल पे जोड़ दो जो आपको बखूबी पता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये वो पिद्दी पिद्दी पॉइंट जो आप डॉट डॉट डाल के लिखोगे आंसर्स में, वो वाली चीज़ें होगी, ठीक है. चलिए इसको लिख लेते हैं. ये तो अपॉर्चुनिटी में आ गया ना, फिर डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम. उन्होंने बोला हमारे पास अभी R&D अवेलेबल ही नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग का रीज़न बनेगा ये. इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, है ये शॉर्टकमिंग है फॉर नाउ, बट ये यही इसको हम अदर वे अराउंड लिखेंगे. पॉइंट समझे आप इनका, ये बोल रहे हैं अभी हमारी औकात ही नहीं है, हम कहाँ से कर देंगे. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम इसको अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द औकात, है ना, टू क्रिएट द कैपेसिटी. कुछ भी करो, कुछ डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. आइए सिग्निफिकेंस में लिखते हैं इसको, थोड़ा स्ट्रक्चर कर लेते हैं. आप लोगों के पॉइंट से स्ट्रक्चर कर रहा हूं मैं. नंबर वन, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट, यही डाल देते हैं चारों. अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट सेविंग फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, सेकेंड पॉइंट. अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग अदर कंट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स, ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर हमने कॉस्ट सेविंग शायद नहीं मेंशन किया है ना, लिख लिया ये, ठीक है. लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो, डेफिनेटली हो सकता है. हाँ हाँ ये है. वो बाहर का सर्टिफिकेट कौन सा होता है? दिस इज दी, बाय द वे जो डिबेट छिड़ी है ना अभी कि जैसे हम बोलते हैं कि बाहर की कंट्री से आता है तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ये दूसरी डिबेट है जो दूसरी चली है ना, एक इंडिया भारत वाली. हाँ ये उस डिबेट का हिस्सा है ये.
जैसे कि आपके पास में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है एक नेम के साथ, मेड इन स्विट्जरलैंड, और दूसरा मेड इन पाकिस्तान, सेम प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट एन एग्जांपल। तो ट्रस्ट बिल्ड होता है उसके साथ में, तो यही तो हमारी अपॉर्चुनिटी है, यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो है ये इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं, इंडिया में तो हमारे पास अभी भी हैं। ठीक है, क्या लिखे हमने लास्ट में? एक्सपेंशन ऑफ टेस्टिंग लैब्स, इसमें सब कुछ सब्स्यूम होगा, आपकी नॉलेज भी, नो हाउ, सब कुछ। कोई विचार आ रहा है मन में? एक्सपेंशन ऑफ टेस्टिंग लैब्स, इन्फ्लुएंस ऑन OIML पॉलिसीज, ये समझ में आ रहा है ना पॉइंट सारे? सिंपल से हैं ये। जब इंडिया के पास में पावर ही आ जाएगी कि आप लोग सर्टिफिकेट दे सकते हो अब, तो आपके प्रोडक्ट्स में भी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे बोलेंगे इसको? इट विल इंक्रीज द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ, मतलब ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। लिखने की जरूरत नहीं है, पर जस्ट उनको मैं वर्ड्स दे रहा था। इसके अलावा देर आर ऑल्सो प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर इट, मिनिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट्स, कुछ ऐसे करके नाम होगा उसका, लिख लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल मिनिस्ट्री यूनिट। जो आप बात बोल रहे हो ना कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाओ, उसका काम ही यही है, सिर्फ मेजरमेंट को स्ट्रीमलाइन करना है, पूरा वर्ल्ड खा जाओ। अगर कोई भी टेस्टिंग हो रही है कहीं पे वर्ल्ड में, कुछ भी चाहिए, इंडिया करके देगा टेस्टिंग आपको, वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं इनके पास। और साइंस के जो साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता कि आपका इक्विपमेंट कहाँ से, कैसे, क्यों, उनको कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट चाहिए, जो सबसे बेटर करके दे देगा वो हो जाएगा। तो आप लोग काम करो अपनी लैब्स पे और अपनी मिनिस्ट्री पे, और छा जाओ वर्ल्ड के ऊपर, है ना? ठीक है, आई थिंक दैट इज़ इनफ इसके अंदर। बाकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये सब तो आप लिख ही लोगे। इसको अगर स्ट्रक्चर देना हुआ आपने, तो आप इसको सिग्निफिकेंस के लिए डोमेस्टिक राइट और इंटरनेशनल इस टाइप की उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। सरकार के लिए क्या फ़ायदा है, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या फ़ायदा है, रिसर्चर्स के लिए क्या फ़ायदा है, इसको डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो। आपको थोड़े ऊपर से पॉइंट्स बता दिए, राइट? इसके अंदर एक टर्म आया था, वो आईएसओ आईईसी, पता है इसके बारे में? लिखना है इसके ऊपर कुछ? नहीं लिखना? अच्छा, लेट मी आस्क 2-3 क्वेश्चंस, अगर नहीं मतलब आते हुए तो ठीक है, फिर हम नहीं लिखेंगे। लेट अस कि ये हेडक्वार्टर्स ही बता दो फिर इसका, या तो लिख लो। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ISO। ये आपके लास्ट पॉइंट के अंदर गिवन है ना बच्चे, पेज नंबर 4 पे देखो आप, लास्ट पॉइंट के अंदर बिल्कुल लास्ट में है कि आपकी लैब्स इसके तहत एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और IEC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। एक स्टेटमेंट लिख लो, टुगेदर इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल, ELECTRO टेक्निकल, इलेक्ट्रो टेक्निकल, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की इंटीग्रेशन अब हर जगह होती जा रही है, लाइक आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? बट जो आजकल की गाड़ियाँ आ रही हैं, दे आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, राइट? हमने जो इंजन्स और ये सब पढ़े हुए हैं, शाफ्ट्स, ये वो, एवरीथिंग एल्स, राइट? अब उसके अंदर सेंसर भी लगे हुए हैं, सेंसर की कैलिब्रेशन अलग से होती है, हमें इंजन्स के बारे में पता है, जो क्रूड वर्किंग मशीनरी होती है, राइट? तो उन सबको देखने के लिए वी हैव IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। टुगेदर
these two organizations together, these two organizations develop, maintain and promote standards in the field of S&T, science and technology. Standards in the field of S&T. Headquarters, Geneva, Switzerland. और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और फॉर्मेशन लिखनी है लिख लो, फॉर्मेशन 23 February 1947। हाँ जी, 23 February 1947। ये कंफर्म करना एक बार, आई एम नॉट श्योर, आईएसओ को आई एम श्योर इतना है, आईईसी एनीवन इंटरेस्टेड इन नोइंग द अदर 12 कंट्रीज, जानना चाहोगे लिख लो। हाँ, चल ये भी अच्छा है, वैसे गेस कर सकते हैं हम कौन कौन सी लग रही है तुम्हें, 13 कंट्रीज कर सकते हो तुम, आई गए सारी गेस कर लगे। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक है, जापान, और लिखते रहो साथ साथ ना, क्या कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, नीदरलैंड्स, बोल दो जो आ रहा है मन में, स्लोवाकिया, नाइस, खोल लिया है कहीं पे, लिखा तो नहीं हुआ है पेपर में अच्छा, और ठीक जगह पहुंच गए आप, उस एरिया में और भी हैं कंट्रीज, नीदरलैंड्स वगैरह तक पहुंच गए तो आसपास के नाम लेना शुरू करो, मैं हेल्प कर देता हूँ। यूके बोला था आपने शायद, हाँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके साथ में और है, फ्रांस, वो वाला वो छोड़ दो एरिया, हाँ, उधर उधर मत जाओ, और चलो खत्म करते हैं इसको, स्विट्जरलैंड, ऐसे कौन सा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, वो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको इंटरनेशनली वैलिड होंगे, ओ दैट इज व्हाई वी नीड ऑल दिस ना, इट व्हाट इट मींस इज कि इसने आपके नेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉज को हार्मोनाइज करना है, दैट इज व्हाई दिस इज अ विन फॉर इंडिया। आप नेशनल लॉज किस कंट्री में नहीं है, हर कंट्री में है, हाँ, तो उनको आपस में हार्मोनाइज करना है। अब क्योंकि इंडिया OIML के सर्टिफिकेशन देगा, वो इसी बेस पे मिले हैं कि हमारे ISI वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि OIML के हैं। हाँ, ये नेशनल लॉज में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मुद्दा ही इंटरनेशनल का है, दैट इज़ वाई जब हमने पॉइंट में लिखा है, आपने शायद फर्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस में एक्सपोर्ट का लिखा हुआ है ना, फॉरन एक्सचेंज एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ द रीज़न, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है ये। ठीक है जी, लिख लीजिए, IEC 26 June 1906। ठीक है जी, थैंक यू। चेक रिपब्लिक, जर्मनी एंड डेनमार्क, ठीक है जी, चलें आगे।
वो आपका G20 वाला, आई वाज रीडिंग द डिक्लेरेशन, वी आर पॉपुलर होती जा रही है, वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, राइट? तो हम उसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, मे बी इन दिसंबर के आसपास, जब कुछ उसके ऊपर एक्शनेबल आ जाएगा, राइट? अभी आपको ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है? उनका सिस्टम ही अलग है ना, क्योंकि वो यूएस बसा ही बगावत के ऊपर था, राइट? तो ये अपने अलग स्टैंडर्ड्स रखने का मकसद भी बगावत ही था कुछ तो। जब आप अलग स्टैंडर्ड्स रखते हो ना, तो आपकी होम इंडस्ट्री जो है वो सेफ गार्ड हो जाती है। अगर आपने अपने स्टैंडर्ड अलग रख दिए, तो बाहर वाली इंडस्ट्री को स्पेशली आपके लिए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं बनाएगी, पर आपको तो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्लरिश करने लग जाती है। ये एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है इसको, अगर आप एक स्टैंडर्ड सिस्टम में आ रहे हो कि आप यहाँ से भी सामान यूज़ करो, वहाँ से भी करो, और हमारे वाला बाहर जाए। यूएस अलग एंगल पे है इस पर, बहुत कन्फ्यूजन होती है इस चक्कर में यूएस और उसके अंदर। आई थिंक द हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो उसमें भी वो स्टार्टिंग में वो उसके लेंसेज क्या बोलते हैं उसको, फोकस में आए ही नहीं थे। वाई? बिकॉज उसमें से कुछ साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने गलत सिस्टम यूज़ कर दिया था मेजरमेंट का। आधी मेजरमेंट्स मेट्रिक में थी और आधी यूएस की कन्वेंशन पे थी, आधी इंचेस में होगी थी और आधी जो है आपकी मिलीमीटर्स में चली गई थी। तो हबल ने कुछ सालों तक तो इमेज दी ही नहीं। इट्स अ केस स्टडी फॉर वाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, वन अर्थ वन स्टैंडर्ड, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, राइट? तो हबल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो तो समहाउ दे मैनेज टू कैलिब्रेट इट, और आई थिंक आफ्टर 3 months और सो इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इमेजेस। ठीक है, चलें आगे। इससे पहले ये वाला टॉपिक देखते हैं हम यार। इट्स द सिक्स्थ टॉपिक, वो करते हैं अभी। ये बहुत देर से टेक्निकल हो रहा है ज्यादा ना, थोड़ा मस्ट बी अवेयर दैट केरला के अंदर केसेस आए हैं एंड अ फ्यू डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वायरस। जब भी कोई इस टाइप की न्यूज आती है, हमारे लिए वो वायरस इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस टाइप का वायरस है, उसका रिजर्वॉयर क्या है और उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैक्सीन है या नहीं है, कुछ इस टाइप की चीज़ें, राइट? और साथ में जो कुछ वर्ड्स हाईलाइट होते हैं, आइए अबाउट में अगर आप पढ़ेंगे, इट्स अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस मतलब इट इज, लिख लीजिए ब्रैकेट में इफ समवन डजंट नो, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। एनिमल्स टू ह्यूमंस। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे इसको, आप हालांकि आरएनए वायरसेस क्या होते हैं ये सब आप साइंस एंड टेक में डिटेल में पढ़ोगे, बट इसको भूलना मत जो यहां लिखा हुआ है कि निपा वायरस, देख लीजिए आगे यहां पे, इज एन आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस ऑफ द फैमिली पैरामाइक्सोविरिडे और जीनस है निपा वायरस। ये सारी चीज़ें आप ऐसे रट्टा टाइप मार लेना, ठीक है इसको, एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू हैंड्रा वायरस। अब ये तीनों चारों के नाम मैंने इसलिए आपको दे दिए थे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे वहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। और अभी क्योंकि आपके सामने यही तीनों हैं, लेकिन उधर ऑप्शन होंगे 4, उसमें से 3 होंगे गलत, राइट? तो कन्फ्यूज नहीं होना, जिस भी तरीके से आपने इसको याद करना है, टेढ़े मेढ़े स्टेप्स लगा के कर लेना। ये इम्पॉर्टेंट है, इट फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर,
And next point, the disease is named after a village in Malaysia. Sungai Nipah. Village ke upar naam hai, right? First appeared in domestic pigs. Uske baad mein other animals. नेक्स्ट इज इसके रिजर्वायर कौन है ट्रांसमिशन के अंदर आप देखेंगे स्प्रेड्स थ्रू फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस ये इसके रिजर्वायर हैं राइट सो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है चाहे वो कोई वायरस बैक्टीरिया या कोई पॉलन टाइप चीज हो उसको हम क्या बोलते हैं इट्स अ एंटीजन उससे लड़ने के लिए बॉडीज क्या प्रोड्यूस करती है हाँ ये चीज़ याद रखनी है ठीक है जी एंटीबॉडी के ऊपर लिख लेते हैं कुछ या फर्स्ट राइट की क्यों ये हमारे लिए कंसर्न है आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट स्प्रेड्स फार मोर डिफिकल्टली देन कोरोना कोरोना बहुत ईजिली स्प्रेड होता है ये बहुत मुश्किल से स्प्रेड होता है इसका स्प्रेड कम है हाउएवर इसका जो फिटेलिटी रेट है इट इज कितना था 40-75% राइट कितना लिखा था हमने पहले अरे क्लास में किया हुआ है हमने ये क्लास में किया हुआ एवरेज एवरेज की बात कर रहे हैं हम अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से केस उठाओगे तो आपको यू मे हैव कि ज़्यादा या कम है ग्लोबल एवरेज इज 40-75% और कोरोना की कितनी थी इट इज़ अराउंड 1% से कम है उसका कोरोना का फिटेलिटी रेट राइट तो दैट इज़ वाई ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसको इसको थोड़ा सा कंसर्न से देखना इसका फर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है जितने लोग अफेक्ट होते हैं उसमें से मर कितने जाएंगे फर्टेलिटी रेट का मतलब वो है राइट लिख लीजिए इसको चाहे द ओवरऑल ग्लोबल केस फर्टेलिटी रेट ऑफ नीपा is estimated at 40-75%, which is very high for any disease. Global case fatality rate of Nipah is estimated at 40-75%. That is why it is a big concern. तभी इसको हम देख रहे हैं एक एंटीबॉडी के ऊपर लिख लेते हैं ना व्हाट इज एंटीबॉडी अगर इससे कुछ पूछा जाएगा तो इसी के अराउंड होगा ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन IMMUNO एक ही वर्ड है ये IMMUNO GLOBULIN is a protective protein. आपके antibodies are protein. ये भी clear हो रहा है यहां से is a protective protein produced by अरे ये तो अनुप्रास अलंकार हो गया है ना anyone? Protective protein produced by immune system in response to the presence of short mein likhte hai na in response to the presence of a foreign substance called antigen And most abundant antibody is IgG. Immunoglobulin को IG लिखते हैं और साथ में capital G. You have to write it like this. ये भी directly पूछ सकते हैं आपसे IgG.
It is the main antibody in blood, comma. The only isotype isotope nahi isotype only isotype that can pass through the placenta. ठीक है, factual के अंदर antibodies के अंदर I think that is the only fact that is required, pass through the placenta. That means IgG can transfer from mother's body to a child's body, है ना, plus. Around 75% of हमारी human body के अंदर जो antibodies होते हैं, this is this one. IgG, right? और जो निपा वायरस आपको डिजीज दे रहा है, दैट इज निपा वायरस एनसेफेलाइटिस. एनसेफेलाइटिस इज नथिंग बट आपकी इन्फ्लेमेशन ऑफ योर ब्रेन. ठीक है, और जब ब्रेन इन्फ्लेमेट करता है, सूजता है, तो आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, लाइक नॉजिया, वॉमिट, इस टाइप की चीज़ें होती है, राइट, फीवर. चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.